तो विश्व इतिहास की यात्रा अब हमारी प्रारंभ होती है। विश्व इतिहास की यात्रा प्रारंभ होती है। आज मैं आप लोगों को विश्व इतिहास का पहले सिलेबस बताऊंगा, इसके बाद मैं पूरे विश्व इतिहास को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये विश्व इतिहास है क्या? क्या विश्व इतिहास सिर्फ यूरोप के इतिहास से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है ना? क्या यूरोप का इतिहास पढ़ना है हमें? क्या यूरोप के साथ साथ संपूर्ण विश्व का इतिहास पढ़ना है? तो ये बात हमें सिलेबस बताता है कि विश्व इतिहास, चूँकि विश्व बहुत बड़ा है, तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस हमें ये चीज़ बताएगा। सिलेबस ने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, मैं डिफाइन करने का काम करूँगा, आपको एक बार विश्व इतिहास को बताऊँगा ही। विश्व इतिहास में देखें तो यूरोप है, बाद में अमेरिका आ गया, उद्भव हो गया, अमेरिका की खोज हो गई, एक स्पेन के पर्सन ने की थी, कोलंबस ने। अमेरिका के बाद फिर रसिया, ये भी रूस एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इसका भी बहुत बड़ा नाम एशिया मान सकते हैं। इसके बाद जो है आपका दूसरा क्षेत्र है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद विश्व इतिहास में आपका आसियान कंट्रीज जुड़ जाता है, इंडोनेशिया, वियतनाम, आसियान कंट्रीज। अब देखो हमने क्यों, मैंने शुरुआत में यूरोप को ही क्यों सेंट्रलाइज किया विश्व इतिहास में, क्यों? क्योंकि यूरोप ने एक कॉन्सेप्ट आया, उसका नाम था साम्राज्यवाद। उस साम्राज्यवाद ने यूरोप को हर जगह पहुंचा दिया, जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में पढ़ना है 1750 के बाद का, 1750 से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक का विश्व इतिहास पढ़ना है हमें। 1991 का जो USSR का विघटन होता है, और इसके बाद रंगभेद की दक्षिणी अफ्रीका में जो नीति खत्म होती है, यानी साम्राज्यवाद का विघटन पूर्णतया दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के समाप्ति के साथ ही, तो पूरा जो सेंट्रलाइज्ड एरिया है वो यूरोप ही है। यूरोप ही अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप ही दक्षिणी अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप ही उत्तरी अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप ही रसिया में बैठा हुआ है, ये रसिया भी यूरोप ही है देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद रसिया मास्को यूरोप में पड़ता है, अब आसियान कंट्री पे भी यूरोप बैठा हुआ है, साउथ इंडिया और एशिया वाले क्षेत्र में भी यूरोप बैठा हुआ है, और अफ्रीका में भी। अंत में जब अफ्रीका में पता चला कि बहुमूल्य संसाधन है, तो यहाँ पर भी यूरोप आके बैठ जाता है। तो देखा जाए तो इर्द गिर्द ये यूरोप का इतिहास के इर्द गिर्द ये फैलेगा। लेकिन अब यूरोप से पहले यूरोप ने इन सबको अपने शिकंजे में जकड़ा, पहला तो काम यूरोप ने यह किया। लेकिन यूरोप के शिकंजे से धीरे धीरे स्वतंत्र हुए, जैसे अमेरिकी क्रांति हो गई, यूरोप के शिकंजे से बचने की कहानी है ना, ये अलग पढ़ेंगे। आसियान कंट्रीज के देश वियतनाम, किस प्रकार से ये विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है ना, तो उन विश्व युद्धों के बाद, और यहाँ पर और चीज़ें, यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कहानी हुई, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्र की परिकल्पना कब आई यूरोप के अंदर, राष्ट्रों का एकीकरण, राष्ट्रों का एकीकरण, आपको आपने सुना होगा जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, 1871 की घटना है। तो राष्ट्रों का एकीकरण, ये बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको मिला करके पूरा विश्व इतिहास आपके टॉपिक में दिया गया है, ठीक है। एक बार इसके सिलेबस को मैं देखना चाहूँगा, आपके मेंस में दिया गया है, पीटी से कोई बहुत लेना देना है नहीं इसका, मेंस में दिया गया है, ठीक। मेंस में ये टॉपिक है विश्व का इतिहास, तो इसमें लिखा हुआ है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, साफ लिखा इन्होंने 18वीं सदी, यानी इससे पहले नहीं जाना, इससे पहले नहीं जाना, 18वीं सदी के मध्य को लेकर के है लगभग। तो 1750 से जो घटनाएं प्रारंभ होती हैं, ठीक है, वहां से हमें इसे शुरू करना है, ये चीज़ इसने क्लियर कर दी सिलेबस में। किसके किसके लिए बोला गया है ये आपका हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक है जीएस का, ठीक है, और यही चीज़ ऑप्शनल में भी। अब इसमें टॉपिक दिए गए हैं औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, ये टॉपिक इसमें दिया गया है। यानी कि यहाँ पर राजनीतिक दर्शन, हाँ फ्रांस वो यूरोप के अंदर ही है, यूरोप के अंदर दो तीन क्रांतियाँ पढ़नी है। पहली पढ़नी है आपको गौरवपूर्ण क्रांति, ये गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति जो है ये हुई तो 1688 में हुई, 1688 की क्रांति ये ब्रिटेन में हुई थी,
ब्रिटेन को लेकर के। ब्रिटेन ने कहा कि दरअसल वहाँ हुआ ये कि संसद को सारे अधिकार दे दिए, राजा ने काम खत्म, ठीक है। एक रेवोल्यूशन आया और वहाँ पर किसी भी तरीके का रक्तपात नहीं हुआ, इसलिए उसे बोलते रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो ब्रिटेन की एक गौरवपूर्ण क्रांति है, थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा। देखो मैं तो आज आपको, आज पहली क्लास में आपको मैं शुरू से लेकर पूरा विश्व का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। आज एक ही क्लास में आप पूरे विश्व से परिचित होने वाले हैं बहुत कम समय में, ठीक, बहुत टाइम नहीं लगेगा हमें। इसके बाद जो है दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है? प्रबोधन का काल, एक समय अवधि आती है यूरोप में जब पुनर्जागरण काल प्रारंभ होता है, पुनर्जागरण काल। और दूसरा टाइम पीरियड आता है यहाँ पे प्रबोधन का काल, प्रबोधन का काल। पुनर्जागरण और प्रबोधन में कोई बताएगा क्या अंतर है, बेसिक अंतर? पुनर्जागरण क्या है और प्रबोधन क्या है? पुनर्जागरण 12वीं और 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, 12वीं नहीं, ये थोड़ा सा और आगे जाए, 14वीं और 15वीं शताब्दी। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक हो, समय अवधि पे मत बांधिए, आगे बढ़िए। ये जो फ्लोरेंस और वेनिस थे, ये शहरी औद्योगिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बढ़ने लगे। उसके उसी टाइम पे चीन में जो की छपाई का आविष्कार हो चुका था, यूरोप में उस समय छपाई का छपाई स्टार्टिंग हो गई, तो विचारों का आदान प्रदान होने लगा और नए नए लेखक बढ़ने लगे वहाँ। प्रबोधन और पुनर्जागरण में क्या अंतर है, क्वेश्चन ये? प्रबोधन क्या है, पुनर्जागरण क्या है? प्रबोधन में मतलब जैसे वहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी सोच विचार में अंतर आ जाता है, साथ साथ में पूरा दौर। अच्छा, तर्क विदार की क्षमता, ये होती है प्रबोधन। पुनर्जागरण क्या है? नए सिरे से पूरे दौर की शुरुआत, नए सिरे से एक नया दौर, एक नया दौर, इसे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण कहाँ नया दौर हुआ? पुनर्जागरण तो ये कह रहा है कि कभी हम जगे हुए थे, फिर सो गए, फिर जाग गए, ये पुनर्जागरण शब्द हो गया। कभी आप जगे थे, पहले आप बहुत अच्छे आदमी थे, बीच में आप लुटेरे डकैत बन गए, फिर से शरीफ बन गए, 4 दिनों की जेल हुई, फिर शरीफ बन गए। यानी इसने क्या कहा, पुनर्जागरण ने क्या कहा? अतीत की प्रासंगिकता, पुरानी चीज़ जो सही थी वही सही है, अतीत के सिद्धांतों को ही इसने दोबारा लाने का प्रयास किया, प्राचीन की प्रासंगिकता पर बल दिया पुनर्जागरण ने। अभी मैं इन सब चीज़ों पे आऊँगा, ये तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। प्रबोधन क्या कहता है? प्रबोधन कहता है वर्तमान में जो प्रासंगिक हो उसको हम अपने ऊपर एक्सेप्ट करेंगे। ये सिद्धांतवादी परिकल्पना है, ये व्यवहारवादी परिकल्पना है। प्रबोधन आज की बात करता है कि आज ये चीज जो पहले चली आ रही थी वो अच्छी है कि बुरी है, उसे हम आज के विवेक के, प्रबोधन का जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं अपने भविष्य का निर्माता खुद हूं, मैं अपना भाग्य खुद रच सकता हूं, ये प्रबोधन का व्यक्ति है। लेकिन पुनर्जागरण का जो व्यक्ति है वो प्राचीन जो सिद्धांत दिए गए हैं, प्राचीन जो स्वरूप है उसी पर ही वो जीना चाहता है, उसी पर ही रहना चाहता है। लेकिन सर, राजा इंडिया में क्यों आ रहे हैं आप? आप फिर भारत को क्यों खींच के ला? देखो एक चीज ध्यान दो, कभी भी हम भारत को खींच के नहीं लाएंगे, भारत अलग चीज है। भारत में कभी डार्क एज आया ही नहीं, अंधकार युग आया ही नहीं। तो जब भारत में अंधकार युग नहीं आया, कब आया अंधकार युग? जब भारत में अंधकार, क्या अकबर का काल अंधकार युग का काल था? क्या दिल्ली सल्तनत का काल अंधकार युग का काल था? तो राजा राम मोहन राय ने पुनर्जागरण कर दिया। तो इतिहास उपनिवेशकारी इतिहासकारों ने लिख के चले गए कि आपके यहां भी देखो अंधकार काल था, मुगल काल था, अंधकार काल था। अरे हमारे यहाँ लाल किला बना है, हमारे यहाँ पे ताजमहल बना है, विश्व का 7वां अजूबा जो आप कह रहे हो अंधकार काल का था, समय था। उपनिवेशकारी इतिहासकारों ने लिखा, देखो इतिहास कई लोगों ने लिखा, कुछ अंग्रेजों ने लिखा, तो वो तो कुछ भी लिख के चले गए ना, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रवादियों ने कुछ और लिखा, वामपंथियों ने कुछ और लिखा, ये तो इतिहासकार टू इतिहासकार चेंज हो रही बात। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इतिहास उस किताब में गलत लिखा है तो इसको आप गलत कह सकते हैं। वो तो ये कह के चले गए कि आर्य जो थे वो भारत के नहीं थे, आर्यन थ्योरी को उन्होंने बाहर का बना बता दिया। बिल्कुल यदि राष्ट्रवादियों के हिसाब से देखा जाए तो वो गलत है, हमने सिद्ध किया, प्रूव किया कि नहीं वो भारतीय ही थे।
समझ रहे हैं इतिहासकार। अब जैसे कोई चीज़ है, आप मेरे घर पे आए शोषण करने, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आप अपनी बात को सिद्ध कर, आप हमेशा मुझे कहेंगे कि मैं आपका बड़ा हितकर व्यक्ति हूँ। आमतौर पे यही होता है कि जब आपको कोई यूज करने वाला होता है तो पहले आपको समझाने का प्रयास करता है कि मेरे से बड़ा हित ऐसे तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं ही हूँ जो तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, और आपको नहीं पता कि घुन की तरह धीरे 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 आपको खाता चला जा रहा है। तो इतिहासकारों ने यही लिखा उन्होंने, ठीक है, चलो उस पर नहीं जाते, पहले हमारी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो हमें यहाँ पर विश्व इतिहास में इस बात को समझना है कि हमें किस किस सेक्शन को लेना है। तो आपका सिलेबस बड़ा कंसाइज है, इसने बहुत ज़्यादा बात, किसी के पास ऑप्शनल की है अभी यहाँ पर, ऑप्शनल उपस्थित है? चलिए मैं देख लेता हूँ, मेरे पास होगा, मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर इसमें क्या होगा, ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। हाँ देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे इससे। सबसे पहला टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रबोधन काल, प्रबोधन काल या आधुनिक विचार विश्व इतिहास में, पहले हम ये पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम कांट और रूसो को पढ़ेंगे, कांट और रूसो इसके विचारों को पढ़ेंगे। फिर उपनिवेश जो थे, ब्रिटिशर्स के उपनिवेश जो थे, वहाँ पर प्रबोधन के विचारों का कैसे प्रवेश हुआ, ठीक है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि प्रबोधन के विचारों का प्रसार कैसे हुआ, क्या मीडियम बना, है ना, ये जो बता रहे हैं कि कागज़ का आविष्कार हो गया, फिर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, है ना, वो तो एक चीज़ है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है हमें कुछ नए विचारधारा का उदय होता है, जैसे समाजवादी विचारधारा, मार्क्स का, मार्क्सवादी विचारधारा का जन्म होता है, जिसने भी प्रबोधन के विचारों को और बल प्रदान कर दिया, ठीक है। तो मार्क्स के समाजवाद का प्रसार पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा आप लोगों को डीपली ले चलूँगा, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाऊँगा। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत क्या क्या हैं, पहले यूरोप में राज्य राज प्रणाली कैसी थी, ये आपके सिलेबस में है, अमेरिकी क्रांति व अमेरिका का संविधान, और अमेरिका में गृह युद्ध 1865 में जब अब्राहम लिंकन थे तो अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, आपस में अमेरिका की जो 13 कॉलोनियां थीं आपस में एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ कर दी, किस लिए कि अब हमें अमेरिका के जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम एक साथ रहेंगे, अब हमें ख़त्म कर दो, अलग अलग कर दो, कुछ कारण थे, कारण मैं बताऊँगा, ठीक है। उत्तरी प्रांत और दक्षिणी प्रांतों के बीच में एक विवाद की स्थिति बन गई, वो दास प्रथा को लेकर के थी, दास प्रथा कानून कहीं ख़त्म कर दिया गया और कहीं पर बनाए रखा गया, कुछ रीज़न थे हर चीज़ के, ठीक है, तो वो हम जानने का प्रयास वहाँ पे करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति और उसके परिणाम 1789 से 1815, वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है, वहाँ तक की कहानी पढ़ेंगे हम। इसके बाद अब्राहम लिंकन के संदर्भ में अमेरिकी सिविल युद्ध, दास्ता उन्मूलन कार्यक्रम, वो भी यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ब्रिटेन की गणतंत्रात्मक राजनीति, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इससे भारत का भी जुड़ाव हो जाएगा। इसके बाद संसदीय सुधार ब्रिटेन में कैसे हुए, चार्टरवादी व्यवस्था कैसे यहाँ पर विकसित हुई, और मुक्त व्यापार सिस्टम यानी लेसेस फेयर सिद्धांत जो आया वो इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा है, वेल्थ ऑफ नेशन जो आपका क्या नाम एडम स्मिथ है ना, आज तक छिप का सिद्धांत, वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपका ब्रिटेन से ही शुरुआत हो जाती है इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की, औद्योगीकरण की, तो औद्योगिक क्रांति आपके सिलेबस में है, इसमें अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति उसके कारण और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। इसके बाद अन्य देशों में औद्योगिकरण का कैसे विस्तार होता है, कैसे विकास होता है, जैसे यूएसए में, जैसे जर्मनी में, जैसे रूस में, जैसे जापान में, यहाँ कैसे औद्योगिकरण किया, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ जापान का, जापान में औद्योगिकरण बहुत बाद में आया और जापान के साथ प्रॉब्लम्स भी थे, जापान के पास ना तो संसाधन था, ना तो श्रम था, ना तो कच्चा माल था, ना तो पूंजी थी, कुछ भी नहीं था, कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि औद्योगिकरण के लिए आवश्यक होता है जापान में नहीं था, लेकिन जापान ने उसके बावजूद भी औद्योगिकरण बड़े स्तर पर किया। कुछ रीजन्स थे, क्या रीजन्स थे, कच्चा माल कहीं से आयात किया, श्रम कहीं से इम्पोर्ट किया, पूंजी कहीं से इम्पोर्ट की, और जापान ने बोला कि 20 साल के अंदर दुनिया का डेवलप कंट्री हमें बनना है। यह औद्योगिकरण जिन्होंने 80 साल 90 साल 100 साल में प्राप्त की है, उतने ही टाइम उतने ही डेवलपमेंट को हम 20 साल के अंदर अर्जित करेंगे। तो जापान की पॉलिसी क्या थी वो हम लोग अलग से देखेंगे, जापान से सीखना चाहिए, जापान एक ऐसा कंट्री जिसने कम समय में ज़्यादा अर्जित किया, ठीक। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे देशों में होना शुरू हो गया, जैसे अमेरिका में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अमेरिकी क्रांति हो गई,
है ना, जर्मनी और इटली में एकीकरण होना शुरू हो गया, राष्ट्र राज्य की परिकल्पना का जन्म होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद में जर्मनी और इटली, देखो जर्मनी में हिटलर, ये बहुत बाद की बात है, हिटलर तो आया आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फासीवाद को जो लेकर, नाजीवाद लेकर आया, फासीवाद आया था इटली में, मुसोलिनी था वहाँ पर, ठीक है, तो वो सब बहुत बाद के हैं, लेकिन एक बार इसको भी देखेंगे। फिर पूरे विश्व में राष्ट्रीय भावना का आविर्भाव और साम्राज्यों का विघटन कैसे हो गया ये देखेंगे। फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद किस स्तर पर पहले पूरब में कैसे फैला, फिर पश्चिम में कैसे फैला, इसमें दक्षिण और दक्षिण वाले क्षेत्र में, पूरब एशिया वाले क्षेत्र में, इसके बाद लैटिन अमेरिका में कैसे स्पेन पुर्तगाल ये सब कंट्री जाकर वहाँ पर इनबिल्ड हो गए, और फिर इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में तो बहुत तगड़ा बंदर बांट हुआ, जैसे ही दक्षिणी अफ्रीका के रिसोर्सेज के बारे में पता चला सभी एक साथ इंटर कर गए, किसी ने किसी क्षेत्र को बांट लिया, किसी ने ऐसे जैसे पिताजी की जागीर थी, है ना, तो दक्षिणी अफ्रीका कैसे धीरे धीरे कैप्चर करने वाले थे वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशवाद कैसा था, साम्राज्यवाद कैसे ख़त्म हुआ, और साम्राज्यवाद के ख़त्म होते ही एक नई परिकल्पना आ गई नव साम्राज्यवाद, इसका जन्म कैसे हो गया ये देखेंगे। कैसे वो अमेरिका जो साम्राज्यवाद के चंगुल से पहले बंधा था और बाद में जैसे ही स्वतंत्र हुआ खुद साम्राज्यवाद के चंगुल में लोगों को बांधने के लिए तैयार हो गया, अमेरिका भी इस दौर में शामिल हो गया, जर्मनी इस दौर में शामिल हो गया, इटली इस दौर में शामिल हो गया, पहले ब्रिटेन ही था, पुर्तगाल ही था, स्पेन ही था, साथ साथ खिलाड़ी बढ़ते चले गए, ये हम पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्रांतियां कहां कहां पे हुई, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय क्रांतियों में सबसे पहले हम रशियन क्रांति 1917 से 1921 में, रशियन बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर देखेंगे, फांसीवाद प्रतिक्रांति इटली और जर्मनी की, और 1949 की चाइना की क्रांति, ठीक है, साम्यवादी क्रांति ये देखेंगे। दो विश्व युद्ध हुए हैं जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में समझेंगे, कारण क्या था और परिणाम क्या निकला इनका, द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण और परिणाम देखेंगे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व कैसा था, दो शक्तियों का आविर्भाव कैसे हुआ, ठीक है, यूएसएसआर और दूसरा था आपका अमेरिका। इसके बाद तृतीय विश्व और गुट निरपेक्षता का आविर्भाव, ये सब चीज़ें आप पढ़ ही चुके होंगे और भी डिटेल से वहाँ पे देख लेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ और किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के आगे वैश्विक विवाद सामने आए, है ना, उन वैश्विक विवादों को कैसे इसने सुलझाने का काम किया ये भी देखना है। फिर औपनिवेशिक शासन से मुक्ति कैसे मिली, लैटिन अमेरिका को कैसे मिली, अरब विश्व को कैसे मिली, मिस्र वाले क्षेत्र को कैसे मिली, अफ्रीका में रंगभेद की नीति कैसे ख़त्म हुई, इंडोनेशिया कैसे स्वतंत्र हुआ, वियतनाम कैसे स्वतंत्र हुआ, भारत को तो आप सब जानते हैं, वो हम लोग भारत के भी इतिहास में पढ़ते हैं, है ना, तो दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे, तो ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में लिखा हुआ है वियतनाम आपको पढ़ना है, सिलेबस में लिखा हुआ है मिस्र वाला क्षेत्र, बोलीवर वाला क्षेत्र, ये सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट बी औपनिवेशीकरण और अल्प विकास ये देखना हमें लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में। फिर यूरोप का एकीकरण देखना हमें, यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ, यूरोप का एकीकरण मतलब नाटो का गठन किया गया, है ना, ये भी एक तरह से यूरोपियन यूनियन बना, ये भी एक यूरोप का एकीकरण ही है ना, पूरा यूरोप एक ही है आज आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर पर। यूरोपीय समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, इनका सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, और यूरोपीय संघ को पढ़ेंगे। इसके बाद सोवियत यूनियन का विघटन और ध्रुवीय विश्व का एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो जाना, दो ध्रुवों का एक ध्रुव बन जाना, ये हम पढ़ेंगे। और इसमें सोवियत साम्यवाद क्यों अनौपचारिक हो गया, इसके बाद जो है स्वेज नहर संकट, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र करने जा रहा था, फिर स्वेज नहर संकट क्या था, तो इन सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है लगभग लगभग विश्व इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक आपके सिलेबस में है ये सब पढ़ने हैं। मैं भी कुछ इसी तरीके से चलूँगा, सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक को ख़त्म करते हुए चलूँगा। आपका काम है मेरे साथ बने रहना और जो मैं आप लोगों को बताऊँ, अब देखो सोर्स के रूप में एक तो मैं हूँ, है ना, मैं आपको विश्व इतिहास को सुलझाने का काम करूँगा। बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत आसानी समझ में नहीं आता, टर्म्स नए नए आएंगे, बुलियनवाद शब्द आएगा, वाणिज्यवाद शब्द आएगा, गिल्ड व्यापार समझ, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे आपको बहुत सारे, तो इन टर्म्स से घबराना नहीं है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी मैं हूँ, धीरे धीरे समझाता जाऊँगा जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा, तो टर्म्स धीरे धीरे मैं लिखवाता जाऊँगा बताता जाऊँगा, ये काम मेरे ऊपर है। दूसरा जो आपको करना है, एक बुक लेनी है आप लोगों को,
बुक लेनी है दीनानाथ वर्मा की, विश्व इतिहास आता है, दीनानाथ वर्मा विश्व इतिहास, एक बढ़िया सी अच्छी सी बुक है, पतली सी, उसी बुक से आपका सारा काम हो जाना है। किताब का नाम है दीनानाथ वर्मा, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के हैं और बहुत बेस्ट बुक है, ठीक, बस ये बुक से काम चल जाएगा। बाकी जिसको बहुत नॉलेज चाहिए, विश्व इतिहास में पीएचडी करनी हो, वो एक बुक आती है जैन एन माथुर की, थोड़ा मोटी होती है, इतनी मोटी होती है तो जब नींद ना आए कुछ ऐसा हो तो उसको अपने सर पे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा बोझ। तो विश्व इतिहास की एक बुक वो है, जैन एन माथुर बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अरे अपने को करना क्या, अपने को 150-200 वर्ड चाहिए, हम क्यों चक्कर में पढ़ें, इतना ज्ञान बहुत है, दीनानाथ वर्मा से लगभग लगभग काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक एनसीईआरटी भी है, क्लास ट्वेल्थ की ओल्ड एनसीईआरटी, इंदिरा अर्जुन देव की विश्व इतिहास से जुड़ी हुई एनसीईआरटी है वो, ठीक है। जैसे कि क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी है ना, प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत, वैसे क्लास ट्वेल्थ में आधुनिक भारत और विश्व इतिहास दो एनसीईआरटी हैं। इंदिरा अर्जुन देव, अर्जुन देव की जिसको एनसीईआरटी ना मिले, मान लो ना मिले, तो ओरिएंटेड ब्लैक स्वान ने एक बुक निकाली है विश्व इतिहास, इंदिरा अर्जुन देव सेम प्रति है, आप ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की वो बुक ले सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेड ब्लैक स्वान एक पब्लिकेशन है, उसके द्वारा वो निकाला गया। ये हो गया आपका, ये आपको सोर्स यूज करने हैं, बाकी लगभग लगभग काम मैं करा दूंगा। ये दो बुक आप पढ़ लेना, आपको विश्व इतिहास का कुछ बचेगा नहीं। तीसरा एटलस, एटलस आप ज्योग्राफी में भी लाएंगे, एटलस आप यहाँ पर भी लाएंगे, ठीक है। एटलस आपके साथ में बना रहना चाहिए, ताकि यदि कोई लोकेशन देखनी है, कुछ देखनी है, तो एक बार देख लें आप वहाँ पर, तो इजी तरीके से हमारा काम होता चला जाएगा, ठीक। चाहिए किसी को अभी किताब उताब ना लिख पाया हो, समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, सब ठीक है। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ठंडियों में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मियों में 3 सेशन चलाना, पता चला कोई एसी तो सूट आप लोग को होती नहीं, बीमार बीमार हो गए तो दिक्कत है। ठंडी ठंडी तक आप लोग सह सकते हैं, किसी को नींद वींद तो नहीं आएगी, सही रहेगा ना। बस तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपने विषय वस्तु को।